हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस यू आर वेल। गाइस तुसी सारे किवें हो? सब तो पहला थोनों सारे नू मेरे वालों हैप्पी दिवाली, दिवाली दी बहुत बहुत मुबारक। गाइस अज दी वीडियो विच आपां थोड़ी जी कन्वर्सेशन करदे आं, दे लाइक मीनिंग जिन्ना बच्चा ने मैनू कमेंट्स आ रहे सी एनटीटी दे रिगार्डिंग, एनटीटी दे जो 393 पोस्टर दा अपना एग्जाम आया उस दी रिगार्डिंग, या फिर अपने को आंगनवाड़ी सुपरवाइजर दी रिगार्डिंग, या फिर अपने को जिन्ना बच्चा ने इग्नो तो DEC कोर्स फिल किया हुआ उन्होंने जो कमेंट्स आ रहे सी, अज दी वीडियो विच मैं उन्होंने सारिया दे आंसर लेके आई हाँ। तो थोनों वन बाय वन करके मैं सारिया के जो भी क्वेश्चन ने उन्होंने आंसर के मैं थोनों दवांगी। चलो गाइस आप अपनी वीडियो स्टार्ट कर देंगे। आई होप थोड़ी जी दिवाली है वधिया लंघे, तो तुम सारे की है हैप्पी हैप्पी रहो, तो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन की है वधिया वे करो। गाइस फर्स्टली क्वेश्चन अपना मीनिंग ए सीगा पहला बच्चों का भी मैम जिहड़े 893 अपनी पोस्टा का एग्जाम आया वा भी वह जो एग्जाम कि कैंडीडेट्स दे सकते हैं, तो कि कैंडीडेट्स का रोल नंबर की इशू किया गया वा। तो फर्स्टली गाइस ये दसना चाहनी है भी जिहड़ी अपने को पहला पोस्ट आई सी वह पोस्ट अपने को कैंसल हो चुकी सी, तो उस तो बाद अपने को दोबारा पोस्ट फिल कर नोटिफिकेशन आया से जिन्ना बच्चों ने अपने को लाइक विद एक्सपीरियंस के नाल जिन्ना को जो NTT का सर्टिफिकेट सेगा NCT दे अंडर अप्रूव सेगा ते उन्हां को एक्सपीरियंस थी 3 साल का, उन्होंने बच्चों ने वो पोस्ट के द्वारा भरी सी, तो जिन्ना बच्चे ने दो पोस्ट द्वारा भरी सी उन्होंने बच्चों का ही रोल नंबर के इशू किया जाऊगा, तो उ बच्चे की है जो एग्जाम आ वह दे सकनगे। ठीक है जी, इस दे रिगार्डिंग गाइस मैंने बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही सी कि मैम असी देख सकते हैं ज नहीं दे सकते, कि साडा रोल नंबर आऊगा ज नहीं आऊगा। जो मैं तुम्हें कन्फर्म करना चाहनी हाँ भी थोड़ा रोल नंबर क्या नहीं आऊगा, जिन्ना बच्चों ने द्वारा पोस्ट फिल की सी उन्हों का ही रोल नंबर क्या आऊगा। ठीक है जी, सैकेंडली आप गल करते हैं कि एग्जाम की तैयारी वास्ते भी जिहड़े बच्चे कहिंदे मैम भी असी हुण अपने को मीनिंग पोस्ट की फिल की सी अते साडा चलो रोल नंबर भी आ जाऊगा, बट साडी हजे तक कोई प्रिपरेशन नहीं हैगी, साडे वास्ते बेस्ट वे की होना चाहिए भी असी अपनी जो प्रिपरेशन है किदां कर सकते हैं। एक मिनट गाइस वेट। हाँ जी गाइस, तो गाइस ये मैं थोड़ा ये दसना चाहनी हाँ भी देखो साडे कोल अपने को थ्योरी के नोट्स भी रेडी ने गे, अगर तुसी मन लो लैना चाहते हो तो लै सकते हो, तो वह जो नोट्स ने बहुत ही मीनिंग शॉर्टकट मैथड ना बनाए हुए हैं जिद्द मतलब थोड़े टाइम जो नोट्स पढ़ के अपनी प्रिपरेशन के वधिया कर सकते हो। इस तो अलावा गाइज मेरी सीरीज़ की है हम कॉन्टीन्यू ही रहनगियाँ, मॉल टेस्ट पेपर 12th तक अभी सीरीज़ कॉन्टीन्यू बनावेंगे, तुम चैनल सबसक्राइब कर सकते हो जिद अकॉर्डिंग थोड़ा सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो ईजली अपने को वन बाय वन जो भी MCQs ने थोड़े ऑल सैक्शन के MCQs असं मैंने ये कवर करा। ठीक है जी, इस तो इलावा गाइज असं क्रैश कोर्स भी लैके आ रहे हैं, अगर तुम वो लैना चाहते हो तो वह भी लै सकते हो, जिदली थोड़ी मीनिंग सैट्स हो मतलब MCQ सैट्स जिद ओनली अपने को जो प्रिपरेशन है कर सकते हो, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा भी थोड़ी जो लैवल है थोड़ा मीनिंग जो एग्जाम का लैवल है वह किस लैवल के क्वेश्चन आने तुम वो क्वेश्चन को कितना अटैम्प्ट कर सकते हो। फिर भी गाइस कोई भी डाउट रहा कमेंट कर सकते हो, या फिर तुम मान लो मेरा नंबर से मैंने कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। गाइस ये अपने को NTT स्टूडेंट्स की जो इंक्वायरी से आ रही थी उन्होंने वास्ते। इस तो इलावा गाइस जिन्हें बच्चों ने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के एग्जाम फिल किए हुए हैं उन्होंने भी ऑल थ्योरी नोट्स से MCQ सारे रेडी किए हुए ने, सैट्स सारे रेडी ने, अगर तुम वह भी लेना चाहते हो तो मैं व्हाट्सएप से मैसेज करके लै सकते हो, या फिर कोई इंक्वायरी है तो मैं कमेंट करके दस सकते हो। इस तो इलावा गाइस आप चलते इग्नो वाले स्टूडेंट्स के जिन्हें बच्चों ने इग्नो तो अपने को NTT कोर्स फिल किया हो, जिन्हें बच्चों ने जनवरी अपने को जो एडमिशन ली सी उन्होंने डेटशीट आ चुकी है, टैंपररी डेटशीट आ चुकी है। गाइस उसकी वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हैगी, तुम वो वीडियो देख सकते हो शॉर्ट्स की है। गाइस उन्होंने जो डेटशीट अपने को 20 जनवरी तो एग्जाम उन्होंने स्टार्ट दसे गए ने, बट ये चेंज हो जूगी, अगर तुम भी मान लो अपनी एडमिशन ली सी बट हजे तक कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं की, हजे तक कोई प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, या फिर एग्जाम की हजे कोई तैयारी नहीं है। ठीक है जी, तो थोड़े को हजे भी टाइम है क्योंकि अपने को यूनिवर्सिटी ने डेट्स की एक्सटेंड कर दी हैगी, तुम अपने को 3 नवंबर तक अपनी जो असाइनमेंट है सबमिट कर सकते हो, जिहड़ियां असाइनमेंट्स होणगियां थोड़ी स्टडी सेंटर सबमिट होणगियां, इस तो इलावा तुम अपना प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दो, प्रोजेक्ट भी थोड़ा 3 नवंबर तक की है स्टडी सेंटर से सबमिट होना चाहिए, तुम स्टडी सेंटर से अपना सबमिट करना वा। ठीक है जी, मीनिंग हजे तक असाइनमेंट की डेट की अपडेट की गई है, प्रोजेक्ट की भी डेट अपडेट कर दी जाऊगी, बट तुम अपने को असाइनमेंट से प्रोजेक्ट दोनों इकट्ठे स्टार्ट करने हैं। पहला वीडियो मैं तुम्हें दसिया भी इग्नो ने अपने को बहुत बड़ा चेंजेस किया वा, असाइनमेंट से सॉरी प्रोजेक्ट वर्क जो अभी बनाना वा उसकी वीडियो भी अपने को अपलोड कर दी ने, तो तुम प्रोजेक्ट वर्क की वीडियो देख सकते हो, उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से प्रोवाइड कर दूंगी जिद मैं डीपली दसिया हुआ भी तुम्हें प्रोजेक्ट किदा बनाना वा, उस चेंजेस किए गए हैं, किनिया तुम्हें वीडियोज़ बनानी ने, किमें वीडियोज़ अपलोड करनी ने, हर एक चीज़ मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन की, तो वीडियो जाके जरूर चैकआउट करनी है। ठीक है जी,
इस तो इलावा गाइज जिन्हें बच्चे ने अपने को जून च एडमिशन ली हैगी इग्नू वाले स्टूडेंट्स ने जिन्होंने जून च एडमिशन ली अपने को एग्जाम जी नैक्सट ईयर जून के ही होगी तो असाइनमेंट होगी उन्होंने मार्च सबमिट के प्रोजेक्ट होगा उन्होंने अप्रैल या मई के आकर सबमिट होगा तो तुम जो असाइनमेंट्स ने अपने को जो हम असाइनमेंट्स से क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वही असाइनमेंट्स थोड़े लिए अपनी जो असाइनमेंट बना सकते हो अगर थोड़ा मीनिंग वह मटीरियल नहीं मिलता जो थोड़ा कोई भी दिक्कत है स्टडी मटीरियल रिगार्डिंग तुम मेरे तो मीनिंग व्हाट्सएप के थ्रू स्टडी मटीरियल लै सकते हो असाइनमेंट्स अपने को सारिया ऑलरेडी की हुई ने गियाँ सॉल्व की हुई हैं उन्होंने PDF की बाय कर सकते हो। इस तो अलावा गाइस प्रोजेक्ट का भी फर्स्ट ईयर अपने को पार्ट आ सारा सॉल्व हो चुकिया वा अगर तुम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो फर्स्ट पार्ट भी तो स्कूल जाके ठीक है जी आफ्टर बच्चे मैंने पूछते हैं कि मैम असं प्रोजेक्ट लिखना की आ तो जो सारा अपने को मीनिंग एज ए रोल थोड़े आइडियज ने गए सारे असं लिख चुके हैं तो साढ़े को पार्ट रेडी है PDF रेडी है तुम वो PDF की अपने को लै सकते हो। इस तो इलावा गाइज जिन्हें ने मतलब जून च एडमिशन ली है ठीक है जी तुम अपनी असाइनमेंट रेडी करके रख लो तो मार्च में जाकर सबमिट करनिया ने तो जो प्रोजेक्ट की गाइडलाइनस आ गाइज वो सेम ही अपने को 2020 वाली गाइडलाइनस है जून वाले स्टूडेंट्स लिए अगर तुम भी जून च अपनी एग्जाम देने 2022 के जून तो थोड़े लिए सेम गाइडलाइनस है तुम सेम प्रोजेक्ट उदे ही बना अपने को उदे ही वीडियोज़ की अपने को क्रिएट करनिया ने टोटल 30 डेज का थोड़ा की है जी प्रोजेक्ट वर्क होगा ठीक है जी। तो गाइज ये इंक्वायरीज अपने को बहुत सारे बच्चों ने मैंने कमेंट्स आ रहे थे वन में वन करके चलो मैं कुछ सॉल्व करने की कोशिश की बट फिर भी अगर थोड़ा कोई डाउट पेंडिंग रहता मैंने कमेंट कर दो ठीक है जी कमेंट करके दस सकते हो तो थोड़े अगले जो डाउट्स होंगे उस पर मैं वीडियो लैके जरूर आवांगी। इस तो इलावा गाइस कोई स्टडी मटीरियल रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम वो भी मैंने कमेंट करके दस सकते हो तो उस रिगार्डिंग भी अभी वीडियोज़ की जल्दी जल्दी अपलोड करांगे। ओके गाइस वीडियो ने इदा ही प्यार दियो वीडियो लाइक कर दियो अगर थोड़ा कोई इनफॉर्मेशन मिली आ चैनल सबसक्राइब जरूर करो ताजे थोड़ा अगे लिए असी इस तो भी वधिया वीडियोज़ की लेके आईए तो थोड़ी जो हैल्प असी करिए। ओके गाइस बाय बाय।